हटिया ने हटिया 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 वहां में वो ग्लिप्स ग्लिप्स इन्हें अभी गया के नीचे थोड़ा पीछे इधर दिखा दे सर हम और तेरी ये तो कोई भारी ब्रांड है का खाए पर वो मुष्टिया मैंने पहले खा रखो कुछ समार से आप होए थोड़ा दोपहर में मम्मी की तो बन रहा है ए कैसे जाओ डिब्बा वाला ठहर गया ना मुझे खोल लो डिब्बा दे लाओ खुलवा मुसो खालो ना पौना है ना मुसो ना कुछ कर रही चीज खाई है ना कुछ ज्यादा लंबा सो लोग रोए तन गए आज तो फटो भी लायक है रोए हां कुछ पैसा ले ले करो चाप करे करो ना पेटी ये देखो सुबह रे पसा दो हां ये शायद ना कुछ ना कुछ आ रहे हैं ना ये गोई अगर आ गई चाकिंग मास्टर हाँ ये चाकिंग तरह ही कब तरह था आवाज बड़ी कर रही है ना कि आदमी भी तो ऊपर हाँ आदमी भी ऊपर वेलकम बैक दोस्तों और ये देखिए अभी जो सांप पकड़ा था और दोस्तों एक और खास बात बताना चाहता हूँ कि जब हमने इस सांप को पकड़ा था तो तब इसने एक चूहा खाया हुआ था और देखिए जैसे ही अब इसको टाइम मिला थोड़ा सा तो इसने इस चूहे को बाहर निकाल दिया है ये डिब्बे में ही इसने उगल दिया इसको ये देखिए ये 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 चूहा है इसने चूहे को उगल दिया है और आपको पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं छूटने के बाद आइए तो दोस्तों ये काली नदी है और यहाँ पानी है हरियाली है छाँव है हर चीज़ यहाँ मौजूद है दोस्तों और जंगल भी है जहाँ लोगों का बहुत ही कम आना जाना रहता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई व्यक्ति बेवजह आता होगा क्योंकि यहाँ ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि जहाँ लोग उस वजह से यहाँ पर घूमें। चलिए इस हिसाब को यही आ जाता है ताकि आराम से रह सके। ये देखिए दोस्तों ये इसका नाम है रॉयल
ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक। तो और ये दोस्तों, ये इसमें कोई जहर नहीं होता है, ये बिना जहर वाला सांप होता है, पर ये अपनी आवाज़ से इंसान को ऐसे डराता है, ऐसे डराता है कि बस पूछो मत। कोबरा भी इसके मुकाबले आवाज़ नहीं कर सकता दोस्तों। और देखिए ये अभी भी आवाज़ कर रहा है, हल्की हल्की आपको सुनाई शायद नहीं दे रही हो, बहुत भयंकर आवाज़ करता है दोस्तों ये। और ये दोस्तों अभी बेबी है, ये अभी छोटा बच्चा है, और इसका बिग साइज करीब 10 फुट लंबा हो जाता है और 2.5 से 3 इंची मोटा हो जाता है दोस्तों। और ये दिखने में काफ़ी ख़तरनाक दिखाई देता है, और वैसे ये इतना ख़तरनाक नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई जहर नहीं है, बस एक बैक्टीरिया होता है जो जिसके अगर ये काट ले तो उससे आदमी को इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें गलाव पड़ जाता है जख्म में। तो बस यही इसका वो है, बाकी इसके अंदर कोई जहर नहीं है। और ये ज़्यादातर घरों में पाया जाता है दोस्तों। ये चूहा इसका पसंदीदा भोजन है, ये चूहे का बहुत शिकार करता है। और मैं आपको दिखा दूँ, इसने ये इतना बड़ा चूहा खाया हुआ था, ये देखिए, ये इसने इतना बड़ा चूहा जो है इसने खाया हुआ था। मेरा चूहा तो मर चुका है क्योंकि 2-2.5 घंटे बाद इसने चूहे को बाहर निकाला है अंदर से। तो चलिए अब इसको बिना देरी के हम आज़ाद करते हैं, ये काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है, तो इसको हम यहाँ जंगल में देखो आज़ाद करते हैं। तो चलिए इसको यहाँ हम जाने देते हैं ताकि ये अपनी इसमें दुनिया में आज़ाद रह सके दोस्तों। और दोस्तों ये चूहा है, इसको भी हम थोड़ा इधर डाल दें, ये सांप का खाया हुआ है, इसने इसमें से जो है उगला था इसको। तो चलिए इसको यहाँ फेंक देते हैं दोस्तों। इसी तरह फिर मिलते हैं और नए सांप और नए सांपों की जानकारी के साथ, और मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसी तरह आपका सहयोग चाहिए दोस्तों मुझे, और मैं अभी नया नया हूँ, तो जो भी मेरी गलतियाँ हों प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझे थोड़ा रास्ता दिखाएं आगे के लिए, मुझे फेमस बनाएं, और जो भी मेरी कुछ गलतियाँ उन गलतियों को एक बार ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय, ठीक है।